एंड अनुपमा में मालविका लेकर आएगी एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। जी हाँ दोस्तों, देखने को मिलने वाला है। मालविका को यूएस से कॉल आया है और वो किसी और का नहीं, उसके एक्स हस्बैंड का है, जिसको एक बच्ची की वजह से उसके पास कॉल आया है। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि अब मालविका गायब नजर आती है और उसके सामने बड़ी प्रॉब्लम आ गई, और वो प्रॉब्लम है उसका हस्बैंड और उसकी बच्ची, जिस बच्ची को उसने वापस कभी भी मालविका को दिया ही नहीं था। लेकिन अब वो बहुत ज्यादा बीमार है और उसी के खातिर मालविका को अर्जेंटली वहां जाना पड़ेगा, लेकिन वो भी शादी के दिन ही। वही अनुज कहता है कि तुम्हारे बिना ये शादी नहीं होगी, लेकिन बापूजी की खातिर बापूजी की सर्जरी भी होनी है एक दिन बाद ही। इसके चलते हुए यहाँ पर मालविका अपना फैसला सुनाते नजर आएगी अनुज और अनुपमा को कि वो ये शादी जरूर करे और वो जल्दी उन्हें आकर फिर से ज्वाइन करेगी। और यहाँ पर बहुत बड़ा राज का खुलासा होगा और वो होगा मालविका की बच्ची का, जिसके बारे में अनुपमा को अब पता चलेगा कि उसकी बच्ची की तबीयत खराब होने की वजह से मालविका को यहाँ से जाना पड़ा। तो यहाँ पर शो में ट्विस्ट देखने को मिलेगा जल्दी। एक तरफ जहाँ पर अनुज और अनुपमा अपनी शादी रचाते नजर आएंगे और अनुपमा दुल्हन बनी नजर आएगी, वहीं दूसरी तरफ मालविका की बच्ची की एंट्री शो में ट्विस्ट लेकर आएगी। लेकिन इस बार अपने पति को सबक सिखाते नजर आएगी मालविका और उसकी बैंड बजा देने वाली है, और इस बार मालविका का नया अवतार देकर उसके पति की भी कभी होश उड़ जाएंगे। तो देखने को मिलने वाला है कैसे अपने हस्बैंड की बैंड बजाती है और फिर मालविका की एंट्री वापस होगी, लेकिन अपनी बच्ची के साथ। तो दूसरी तरफ यहाँ पर देखने को मिलेगा अब वनराज और बा को भी। एक तरफ जहाँ पर वहाँ बा को अनुपमा शादी के लिए मनाते नजर आएगी कि वो उनको आशीर्वाद दे, तो दूसरी तरफ वनराज को काव्या समझाने की कोशिश करेगी कि वो चाहे बच्चों के और बापूजी के लिए सही, लेकिन इस शादी में खुशी खुशी शामिल हो और अनुपमा को अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने दे बिना किसी प्रॉब्लम के। लेकिन वनराज को ये सब कुछ समझ नहीं आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ उसे अपनी जो कामयाबी रुक गई है वो दिख रही है कि किसी भी तरह वो खुश ना रहे। अनुपमा आप देखते हैं कि यह वनराज और बाघ को अकल ठिकाने आती है या फिर यहाँ दोनों का तमाशा जारी रहता है।